नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप मूली की खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मूली की खेती की बुआई से कटाई तक वैज्ञानिक विधि द्वारा जो भी रिसर्च की गई जानकारी है वो संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। तो किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो का हर एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, जो जानकारी कई सारे किसान भाइयों से सलाह लेने के बाद आपको यहां पे जानकारी दी जा रही है, तो वीडियो को बीच में ना छोड़े किसान भाइयों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, मूली की खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले किसी भी खेती को, कोई भी फसल आप लगा रहे हैं या कोई भी सब्जियाँ लगा रहे हैं, उसका सबसे अहम रोल होता है उसकी उत्पादन। अगर अच्छी उत्पादन आपको चाहिए तो अच्छी वैरायटी का चयन करना बेहद ज़रूरी है किसान भाइयों। अगर आप वैरायटी का चयन सही नहीं कर पाते हैं, यही आपका सबसे पहली गलती है, जहां आपकी उत्पादन में कमी आती है, लाखों खर्च करने के बावजूद भी आपको अच्छी कमाई नहीं हो पाती है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं उन्नत किस्में, उसके बाद और भी कई सारा जानकारी पाएंगे इसी वीडियो में। तो पहले हम उन्नत किस्में जान लेते हैं कि मूली की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जिसकी पैदावार सबसे ज़्यादा है। तो किसान भाइयों, पहली नंबर पे जो उन्नत किस्में आती है, हम ये जो उन्नत किस्में बता रहे हैं ये काफ़ी सारे किसान भाइयों ने लगाए हैं, उनके द्वारा जो प्रयोग की गई जानकारियाँ हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ। जापानी सफ़ेद जो मूली की वैरायटी है, यह वैरायटी आपको 50 से 60 दिन में बिल्कुल तरीके से तैयार हो जाता है किसान भाइयों, कम समय में ये तैयार हो जाता है। इसके पौधे की बात करें अगर, तो इसका पौधा जो है काफ़ी लंबे होते हैं, 1 फीट तक लंबा आपको इसका पौधा मिल जाएगा। यह स्वाद में कम तीखी होती है। और बात करें यह किस्म की पैदावार क्या है, क्योंकि उत्पादन का अहम रोल होता है इनकम अच्छी लेने के लिए, तो आपको 250 से 300 क्विंटल के बीच में आपको यह किस्म की पैदावार मिल जाएगी। वही दूसरी नंबर पर जो आती है, यह हमने लिस्ट तैयार किया है कुछ वैरायटियों का, रेपिड रेट वाइट टिप्ड मूली की जो यह किस्म है, यह सबसे कम समय में आपको तैयार हो जाएगी, क्योंकि यह किस्म आपको मात्र 25 से 30 दिन में तैयार हो जाएगी। यह अधिक तेज़ी से पैदावार देने वाली किस्म है किसान भाइयों। रेपिड रेट वाइट टिप्ड किस्म पौधे एक ही मौसम में कई बार उगा सकते हैं, इसका पैदावार आपको आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर उन्नत किस्म है हिसार नंबर 1 मूली की। यह जो किस्म है भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा लगाई जाती है। इसमें निकलने वाले पौधा जड़ से सीधी लंबी पाई जाती है, जिसका बाहरी छिलका चिकना और सफ़ेद होता है किसान भाइयों। अब बात करते हैं उन्नत किस्में, जब किसान भाई की पहली चुनाव अगर हो जाती है, अगर वो सही उन्नत किस्में का चुनाव कर लेते हैं, इसके बाद दूसरा जो सबसे अहम रोल आता है किसानों के लिए, अगर अच्छी पैदावार के लिए और कम समय में तैयार करने के लिए, वो आती है खेत की तैयारी। यहीं पे कई सारे किसान भाई मिस्टेक कर जाते हैं, जिसके कारण से उनको उत्पादन की कमी मिल जाती है, और यही कारण है कि उनको अच्छी इनकम नहीं होती है और खेती में वो फेल हो जाते हैं। तो खेत की तैयारी की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपने फसल लगाया है उसके अवशेष पदार्थ हटाने के लिए आपको गहरी जुताई करने की अति आवश्यकता है। तो आप 2 से 3 गहरी जुताई करवा दें, जिससे जो भी फसल के अवशेष पदार्थ है वो बिल्कुल तरीके से नष्ट हो जाए। जैसे ही नष्ट हो जाए वो, आपको क्या करना है, सड़ी हुई गोबर की खाद, ये जो खाद है सड़ी हुई, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। और आपको ऐसा नहीं साल भर, आपको 2-3 साल पुरानी जो सड़ी हुई गोबर की खाद है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको फायदा करेगी किसान भाइयों। तो आप बहुत पुरानी गोबर की खाद जो है खेतों में डाल देनी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो पुरानी गोबर की खाद डालने के बाद आपको क्या करना है, गोबर की खाद और मिट्टी एक दूसरे को आसानी से मिल जाना चाहिए। इसके लिए आपको रोटेवेटर से एक बार जुताई करानी होगी। रोटेवेटर से जुताई इसलिए करानी है क्योंकि रोटेवेटर जो है मिट्टी और गोबर की खाद को एक दूसरे को भुरभुरी कर देगी। और जैसे ही आपका मिट्टी भुरभुरी हो गया, आपका जो है मूली की खेती के लिए खेत बिल्कुल तरीके से तैयार हो चुका है। जब किसान भाई सही तरीके से खेत की तैयारी भी कर लेते हैं, सही उन्नत किस्म का चुनाव भी कर लेते हैं, तो फिर वो कहाँ गलती कर बैठते हैं जिसके कारण से उनका विकास मूली का नहीं हो पाता है और उत्पादन में भी कमी आती है। तो इसके लिए किसान भाइयों को सबसे जो पहली गलती है, मूली का बीजों का रोपाई का तरीका और सही समय।
तो हम इस पर भी बात करेंगे। मूली के बीजों की रोपाई समतल और मेड़ दोनों प्रकार से कर सकते हैं किसान भाई। समतल भूमि में रोपाई करने के लिए ड्रिल विधि का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और बात कर लेते हैं बीजों की रोपाई के समय प्रत्येक बीज मध्य 5 सेंटीमीटर की दूरी आपको रखना है। इसके अतिरिक्त मूली के बीजों की रोपाई मेड़ पर हाथ द्वारा की जाती है किसान भाइयों। बात कर लेते हैं छिड़काव विधि में मूली के बीजों का समतल खेत में छिड़क दिया जाता है। तो आप समतल विधि से कर रहे हैं तो छिड़काव विधि का तरीका अपनाएं। अब जो किसान भाइयों जब मूली का सही समय पे बुआई भी कर लेते हैं, सही तरीका से बुआई भी करते हैं, फिर जो गलती कर बैठते हैं वो मूली की पौधे की सिंचाई। मूली के बीजों की रोपाई को नम भूमि में किया जाता है तो कितनी बार सिंचाई करना चाहिए ये किसान भाइयों का सही जानकारी होना अति आवश्यक है। अधिक सिंचाई भी किसी फसल के लिए हानिकारक होती है और कम सिंचाई भी। तो ऐसे में बात आती है किस प्रकार से सिंचाई करें और कितना बार सिंचाई करें। तो मूली की पौधे के रोपाई के तुरंत बाद आपको पहली सिंचाई करनी है। इसके पौधे जो होती है सामान्य सिंचाई की आवश्यकता होती है, अधिक सिंचाई की मूली में कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। यदि इसके बीजों की रोपाई सूखी भूमि में की गई है तो उस दौरान इसके बीजों को अंकुरित होने तक हल्की सिंचाई करना जरूरी है किसान भाइयों। मूली के पौधे को सिंचाई गर्मियों के मौसम में 2 से 3 बार की जाती है, बारिश के मौसम में ज़रूरत पड़ने पर 1 से 2 सिंचाई करनी पड़ती है। अब जो आती है किसान भाइयों, जब किसान भाई यहाँ तक सही विधि अपना लेते हैं तो एक जो वहाँ पर विधि गलती कर बैठते हैं, खरपतवार के सही ढंग से नियंत्रण ना कर पाना मूली के लिए सबसे हानिकारक है। तो इसके लिए खरपतवार नियंत्रण सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। मूली की खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक और प्राकृतिक दोनों विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। मूली के पौधे में प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको निराई गुराई की जो विधि है वो अपनानी है। इसके जो पौधे होते हैं केवल 2 गुराई की ही ज़रूरत होती है, 2 निराई गुराई कर देते हैं, इसमें कोई भी खरपतवार नहीं रहेगी। जिसमें पहली गुराई 20 दिन बाद करना है, दूसरी गुराई 15 दिन के बाद। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं मूली की खेती। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, जय जय किसान।